नमस्कार दोस्तों, परिचय इस मालिका में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में देखते हैं परवीन सुल्ताना जी के बारे में। उनका जन्म 10 जुलाई 1950 को नोगोंग ग्राम असम में हुआ था। इनके पिता का नाम इकरामुल माजिद तथा माता का नाम मारूफा माजिद था। परवीन सुल्ताना ने सबसे पहले संगीत अपने दादाजी मोहम्मद नजीफ खान साहब तथा पिता इकरामुल से सीखना शुरू किया। पिता और दादाजी की छत्रछाया ने उनकी प्रतिभा को विकसित कर उन्हें 12 वर्ष की अल्पायु में ही अपनी प्रथम प्रस्तुति देने के लिए परिपक्व बना दिया था। इसके बाद परवीन सुल्ताना कोलकाता में स्वर्गीय पंडित चिन्मय लहरी के पास संगीत सीखने गई तथा 1973 से वे पटियाला घराने के उस्ताद दिलशाद खान साहब की शागिर्द बन गई। 2 वर्ष बाद ही परवीन सुल्ताना ने दिलशाद खान साहब से विवाह किया और परिणय सूत्र में बंध गई। इनकी एक पुत्री भी है। परवीन सुल्ताना उन चुनिंदा शास्त्रीय गायिकाओं में से एक है जिन्हें ईश्वर ने एक ऐसी अनोखी और खूबसूरत आवाज से नवाजा जिसका कोई बोल नहीं है। उनकी लगन और तालीम ने उन्हें खूबसूरत आवाज और एक गरिमामय व्यक्तित्व का धनी बनाया था, इसलिए उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की रानी भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है मित्रों, मैं यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद।